Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in seconds. Today we will discuss the practice MCQs of chemical bonding. Let's start. In this video we'll practice some of uh, some of the practice questions. केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ और अब हम कुछ पास पेपर क्वेश्चन या प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं लेट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन विच मॉलिक्यूल हैज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बेटा वेस्पर्ट थ्योरी से ये क्वेश्चन है वायलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्यूरी से ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री किस मॉलिक्यूल की है एंड रिमेंबर ट्राइगोनल प्लेनर कौन से मॉलिक्यूल्स होते थे ए बी थ्री टाइप मॉलिक्यूल

So this is AB4 type molecule ALCL3. A L belongs from the group number 3. So my dad, third group se belong karta hai aur teen hi yahan pe bonds. Bane huye. So this is having 3 bond pairs and 0 lone pairs. So this is A B3 type molecule. PCl3 P belongs from the group number 5. It has 5 electrons. Or like in this example, it is making Three of the bonds and there is one lone pair, again this is A B4 type molecule. So beta AB3 type molecule is ALCL3. It has trigonal planar geometry. Geometries ko explain hai, shapes ko explain kartia vespert theory. A B2 type molecule, A B3 type molecule, A B4 type molecules, A B5 type molecules, and A B6 type molecules. So uh, by the way, A B6 type molecule. में शेप uh, कौन सी होती है ज्योमैट्री कौन सी होती है दिस इज वट यू हैव टू मैं इन द कमेंट बॉक्स ए बी सिक्स टाइप मॉलिक्यूल की जीवमैट्री क्या होती है ये आपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर मेंशन करना है, ठीक है जी लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर टू सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव बिकॉज ऑफ दैट रिएक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज आइंस रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव आइंस फर्स्ट रिपल्शन दैन अट्रैक्शन बोथ ए एंड बी ऑप्शन ओके वट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड और रिलीज वेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन टू द गैशियस एटम और या आइन बन जाता है आइन में इलेक्ट्रॉन की एडिशन होती है वेन एवर द इलेक्ट्रॉन इज एडेड तो एनर्जी जो चेंज आ रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इट कुड बी नेगेटिव बेटा पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस द एनर्जी इज रिक्वायर्ड एनर्जी सेलेक्ट्रॉन इफिनिटी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इफिनिटी हमेशा नेगेटिव होती है दैट इज एक्र्मिक प्रोसेस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इफिनिटी मीन्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम में एड होता है ठीक है दैट इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इफिनिटी जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन

ओवरकम दिस रिपल्शन हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू दून आइन सो दैट इट कैन अकोमोडेट एनदर इलेक्ट्रॉन सो इस रिपल्शन की वजह से सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा पॉजिटिव हो जाती है एंडोथर्मिक हो जाती है ठीक है दिस पॉजिटिव मीन्स एंडोथर्मिक और नेगेटिव का मतलब क्या होता है एक्सोथर्मिक ठीक है सो बी इज योर रिक्वायर्ड आंसर नाउ मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर थ्री एटोमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एज थर्टी सेवन डैश अटोमिक रेडियस क्या है द रेडियस ऑफ एन एटम ठीक है वर्ड इट सेल्फ डिफाइन सिस्टम तो रेडियस क्या होता है अगर कोई भी आपके पास सर्कल है तो उसके सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड एज रेडियस ठीक है सर्कुलर अगर डेफिनेशन हम यहां पर करें बट एटम्स डू नॉट है तो बेटा दो एटम्स जब कंबाइन होते हैं उनका बॉन्ड बना होता है तो एक न्यूक्लियस से दूसरे एटम जो सेम एटम्स है उन दोनों के न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज द टोटल डिस्टेंस तो अगर उस डिस्टेंस का हाफ कर लिया जाए दैट मेक्स द एटॉमिक रेडियस ठीक है सो दिस इज द एटॉमिक रेडियस जिससे रेलिवेंट ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज 37 बेटा आगे यूनिट मेंशन करना है मिलीमीटर माइक्रोमीटर पीकोमीटर और ऑंगस्टन सो बेटा ये वैल्यूज 37 है सो इट इज इन द पीकोमीटर ठीक है ऑल राइट नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर फोर फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ एलिमेंट इज बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ मिकल बॉन्ड बेटा वट इज केमिकल बॉन्ड बेटा हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम तो ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स किस तरह से कंबाइन हो गए जब कंबाइन होते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेज होनी चाहिए उनके दरम्यान में ठीक है अट्रैक्टिव फोर्सेज की वजह से एटम्स कैन मेक बॉन्ड अब वो अट्रैक्टिव फोर्सेस कब डेवलप होती है केमिकल फोर्स कब डेवलप होती है एक एटम या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है दूसरा गेन करता है एक एटम और दूसरा एटम जब इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं या एक ही एटम अपने इलेक्ट्रॉन के पेयर को किसी दूसरे एटम के साथ शेयर करता है यानी कि आयोनिक बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग डेटिव कोवेलेंट बॉन्डिंग जिसको कहा जाता है और मेटालिक बॉन्डिंग जब होती है तो तब केमिकल बॉन्ड बन रहा है ना सो so, बेटा फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ एलिमेंट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ऑफ द एटम बेटा ये एटम का वो करेक्टर है जो कि एबिलिटी बताता है कि एटम कितना इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है ठीक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इसको रिलेट करवा सकते हो दैट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल ठीक है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर ऑफ एन एटम

तो बेटा आइंस केमिकल बॉन्ड नहीं बना रहे ठीक है बॉन्ड की रीजन क्या है इट इज बेस्ड ऑन द ऑक्टेट रूल अटेनिंग एट इलेक्ट्रॉन इन दूट कोई भी केमिकल बॉन्ड बनता है ना बेटा एटम्स रिएक्शन करते हैं और बॉन्ड्स बनाते हैं बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं टू बिकम स्टेबल स्टेबिलिटी कैन बी अटेन्ड बाय फॉलोइंग द ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल बेटा ये स्टेबिलिटी रूल्स है हमारे पास ऑक्टेट और डुप्लेट रूल अटेनिंग एट इलेक्ट्रॉन इन दउटर मोशन दैट इज कॉल्ड एज ऑक्टेट रूल तो बेटा दिस ऑक्टेट रूल इज एक्चुअली योर रिक्वायर्ड आंसर जो कि केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन की बेस है क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ मूव करते हैं विच पेयर ऑफ एटम्स इज मोस्ट लाइकली टू फॉर्म एन आयोनिक बॉन्ड बेटा आयनिक बॉन्ड कहा जा रहा है इट मीन देर मस्ट बी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव कौन बनाते हैं मेटल्स मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन एंड कैरी अ पॉजिटिव चार्ज के टाइन्स बन जाते हैं और नेगेटिव आइंस कब बनते हैं जब नॉन मेटल्स एक्सेप्ट करती है इलेक्ट्रॉन्स को बिकॉज नॉन मेटल्स हैव एबिलिटी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स तो इस वजह से उन उनपे नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो बेटा मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में जो बॉन्ड है दैट इज आयनिक बॉन्ड या केटाइं और एनाइंस के दरम्यान में जो बॉन्ड बनता है दैट इज आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ऑक्सीजन और फ्लोरिन बोथ आर नॉन मेटल्स तो बेटा इनके दरम्यान में जो बॉन्ड होगा दैट इज कोवेलेंट इन नेचर कार्बन इज नॉन मेटल फ्लोरिन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल तो बेटा ये भी दोनों नॉन मेटल्स हैं नॉन मेटल्स टल uh, -metal. तो, metal के दरम्यान में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज आयनिक बॉन्ड किस तरह से आयनिक बॉन्ड बनेगा एन ए इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा फ्लोरिन विल गेन दैट इलेक्ट्रॉन एंड इन दिस वे एन ए विल कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड एफ विल कैरीगे चार्ज Due to the oppositely charged ions, they will attract towards each other or a compound. Ban Got it? So uh, moving towards the question number six now, which ionization energies belong to the group 2 elements? Mita, group 2 elements, ionization energy. I what is ionization energy? The amount of energy that is required to release the electron from the outermost shell of the gaseous atom. बेटा एटम गैशियस स्टेट में द फर्स्ट थिंग अगर आपको कहा जा रहा है ग्रुप टू का ग्रुप टू एलिमेंट्स आर मेटल्स फॉर एग्जाम्पल यू हैव बेरीलियम यू हैव मैग्नीजियम यू हैव कैल्शियम यू हैव स्टोनशियम यू हैव बेरियम देन रेडियम दीज ऑल एलिमेंट्स बिलोंग फ्रॉम द ग्रुप नंबर टू तो ग्रुप टू के जितने भी एलिमेंट्स हैं बेटा अगर उन तमाम की आयनाइजेशन एनर्जी लिखी हुई है ना सडन जंप आफ्टर द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी देखो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोशन ऑफ द गैशियस एटम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी टू रिमूव द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोशन ऑफ द गैशियस एटम तो ग्रुप टू के आउटर मोशल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इट विल हैव टू इलेक्ट्रॉन्स इन द मोस्ट मोशल ठीक है जितने भी ग्रुप टू के एलिमेंट्स होंगे उनके आउटर मोशल में टू इलेक्ट्रॉन्स होने हैं। तो बेटा टू इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए नाउ इट हैज एड इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स लोअर शेल जो भी होएगा जो कि कंप्लीटली फिल्ड होएगा ठीक है या अगर बेरिलियम होएगा तो इन ओनली इन द केस ऑफ बेरिलियम इट विल हैव टू इलेक्ट्रॉन जो कि कंप्लीटली फिल्ड कंसीडर किया जाता है बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट शेल इज कंसीडर्ड इन दिस केस तो बेटा एट इलेक्ट्रॉन्स में से अब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं हम तो जब नंबर ऑफ शेल्स डिक्रीज हो गए तो वी हैव टू प्रोवाइड मोर एनर्जी टू रिमूव अनदर इलेक्ट्रॉन यानी कि जो तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो यानी कि जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी इट विल गेट मोर देन एक्चुअली बहुत ज्यादा नॉट जस्ट मोर देन एनर्जी लेकिन एक सडन जंप यू विल ऑब्जर्व इन दैट फॉर एग्जाम्पल थ्री ट्वेंटी से एनर्जी आई सिक्स हंड्रेड सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया इलेवन टेन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा कोई सडन जंप uh, नहीं नज़र आ रहा सेवनटीन हंड्रेड यानी कि चार इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए तो बेटा लास्ट में आपके पास आया फाइव सिक्स फाइव जीरो तो यहाँ पे एक अलग सी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है जो कि इस सीक्वेंस को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर रही वी आर ऑब्जर्विंग द सडन जम्प ओवर हेयर सो इट मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हुए हैं और ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है न्यू शेल में से सो दिस एलिमेंट बिलोंग्स फ्रॉम द ग्रुप नंबर फोर वन कोई सडन जंप नहीं है लेकिन यहां पे फोर्टीन फिफ्टी वन के फोर बाद सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर्टी आ गया तो बेटा यहां पे एक सडन जंप ऑब्जर्व हुआ है तो इट मीन्स दिस इज देशन एनर्जी ऑफ द ग्रुप टू एलिमेंट यहाँ पे देखो फर्स्ट के बाद ही आप एक सडन जंप देख रहे हो 400 से 3000 में आ गया है तो जैसे ही एक सडन जंप देखा है तो इट इट मींस कि दिस एलिमेंट बिलोंग्स फ्रॉम द ग्रुप नंबर वन लास्ट में देखो 577 1820 1820 से 20 uh, 2740 2740 से एकदम से आ गया 11600 सो वी ऑब्जर्व द सडन जंप ओवर हेयर ओवर हेयर इन दिस टू तो इट मीन्स दिस एलिमेंट बिलोंग्स फ्रॉम द ग्रुप नंबर थ्री तो बेटा जहाँ पे सडन जंप देखोगे वहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एलिमेंट इस ग्रुप से बिलोंग करता है सो इन दिस केस वी हैव टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप टू तो बेटा ग्रुप टू की आयनाइजेशन एनर्जी मैंशन की है इन दी ऑप्शन बी ठीक है इस तरह से एग्जामिनर किसी और ग्रुप का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ग्रुप फोर का ग्रुप वन का या ग्रुप थ्री का भी पूछ सकते हैं सो रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर एम सी क्यू क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ द्रेटर कोवेलेंट करेक्टर बेटा यानीलेंट इन नेचर है तो जहां पर अलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है वहां पर आयोनिक करेक्टर ज्यादा होगा ठीक है अलेक्ट्रो नेगेटिविटी का डिफरेंस जहां पर ज्यादा है वहां पर ज्यादा होएगा फॉर एग्जाम्पल पीरियोडिक हाइएस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम या एलिमेंट तो वो होता है और जो सबसे कम अलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जिस एलिमेंट की दैट इज सीजियम या फ्रेंशियम फ्रेंचियम इज रेडियो एलिमेंट लेकिन सीजियम को यूज कर रहा हूं इट इज अप्रोक्सीमेटली जीरो पॉइंट सेवन और फ्लोरिन की फोर पॉइंट जीरो होती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है 3.3 थ्री दैट इज आयोनिक जो कि 92 टू परसेंट आयोनिक करैक्टर रखता है सीजियम फ्लोराइड दैट इज द मैक्सिमम आयोनिक करेक्टर ऑफ एनी पर्टिकुलर कंपाउंड और 8 परसेंट उसमें क्या होएगा कोवेलेंट करेक्टर होएगा सो इसी तरह से अब हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ऑब्जर्व करना है ऑल दो वी कैन नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ एवरी एटम लेकिन कॉन्सेप्ट यहां पे क्या याद रखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दिस इज द बेसिक तो इसी को हमने यूज करना है वी हैव क्लोरीन हर कंपाउंड यहां पे क्लोरीन का है ठीक है ऑल दीज तो यहां पे पोटेशियम बिलोंग्स फ्रॉम द ग्रुप नंबर 1 लिथियम बिलोंग्स फ्रॉम द ग्रुप नंबर 1 सोडियम बिलोंग्स फ्रॉम द ग्रुप नंबर 1 रुबिडियम बिलोंग्स फ्रॉम द ग्रुप नंबर 1 तो बेटा तमाम ग्रुप वन से बिलोंग करते हैं क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज फिक्स्ड नाउ। तो बेटा हमने ऑब्जर्व करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस किसका ज्यादा होएगा ठीक है यही चीज हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं फ्रॉम टॉप टू to बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी ठीक है मेटल्स की तो यहां पे वी हैव हाँ लिथियम जो सबसे ऊपर होता है देन वी हैव सोडियम स आपसे कहा जा रहा है ग्रेटर कोवेलेंट करेक्टर किसका है तो सबसे नीचे वाले एलिमेंट का रोबीडियम कलोराइड इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफ्रेंस भी ज्यादा होगा सो इन दिस वे इट इज मोर आयोनिक इट इज मोर आयोनिक लेकिन कोवेलेंट कौन सा सबसे ज्यादा होएगा जिसका साइज सबसे कम है सो अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स तो हम बी की तरफ मूव करेंगे बिकॉज लिथियम क्लोराइड में लिथियम इज स्मॉलर इन साइज स्मॉलर साइज होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब इसकी ज़्यादा है तो क्लोरीन के साथ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा तो इट मीन्स इट हैज लेस आयोनिक और मोर कोवेलेंट तो ग्रेटर कोवेलेंट करेक्टर बताना था तो दैट इज योर बी ओके यहां पे आयनिक करेक्टर भी पूछा जा सकता है और कोवेलेंट करेक्टर भी पूछा जा सकता है मैंने आपको क्वेश्चन की क्वेश्चन uh, का मैकेनिज्म समझा दिया कि किस तरह से यू हैव टू अटेम्प्ट दिस एम से नाउ मूविंग टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर एट विच कंपाउंड हैज लो बॉइलिंग पॉइंट सिस सिन ट्रांस टू ब्यूटीन ब्यूटानॉल एंड ब्यूटानोइक एसिड बेटा अपेरेंटली तो ये एल्कीन है ये एल्कोहल है दिस इज एल्कानोइक एसिड कार्बोजेलिक एसिड्स तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली नॉन पोलर ठीक है यही हम ऑब्जर्व करते हैं नॉन पोलर है लेकिन ब्यूटानोइक एसिड एल्कोहल्स और कार्बोजेलिक एसिड्स ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये पोलर हो जाते हैं और पोलर कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है तो इसका तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वी कैन नॉट सेलेक्ट दिस ऑप्शन बिकॉज इट हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दिस एसिड इसका भी पॉइंट ज्यादा है बिकॉज इट इज अगेन द पोलर मॉलिक्यूल नाउ वी हैव सिस ब्यूटीन एंड ट्रांस टू ब्यूटीन रिमेंबर द कॉन्सेप्ट बेटा सिस ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन में से सिस ब्यूटीन इज पोलर एंड ट्रांस टू ब्यूटीन इज नॉन पोलर ट्रांस टू ब्यूटीन का अगर स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं सो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है we have carbon on this side ch3 and we have ch3 we have h and we have h this is the molecule of trans beta trans means the dipole moment of this bond it can cancel out the dipole moment of this bond okay? dipole moment cancel similarly is bond ka dipole moment or is bond ka dipole moment we cancel तो ट्रांस इस वजह से जीरो डायपोल मोमेंट रखता है डायपोल मोमेंट इज जीरो दैट्स वाई इट इज नॉन पोलर इन नेचर वेयर एज अगर सिस का स्ट्रक्चर आप ऑब्जर्व करो इट इज सी एच थ्री इट इज एज इट इज एज एंड इट इज सी एच थ्री दिस इज सिस टू एल्कीन आई मीन टू ब्यूटीन एल्किस का ही मेम्बर है ये सो दिस बॉन्ड वी कैन नॉट कैंसल विद दिस वन इट मीन्स इट इज नॉट हैविंग अ जीरो डायपोल मोमेंट जिनका जीरो डायपोल मोमेंट नहीं होता वो पोलर कंपाउंड होते हैं तो बेटा ये भी पोलर हो गया पोलर का बॉयलिंग पॉइंट नॉन पोलर से ज़्यादा होता है तो वी कैन नॉट सेलेक्ट दिस वन ऑल्सो सो आंसर इज बी होपफुली ये टेक्निक समझ आ गई होगी सैम सी क्यू को अटैम्प्ट करने की सो एंड बाय द वे दिस दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम डी कैट सिस और ट्रांस की एग्जाम्पल पूछ ली जाती होती है रिलेशनशिप याद रखना है सिस अल्किन्स जितने भी होंगे चाहे वो हैलो अल्कीस की फॉर्मेशन में लिए जाएँ या प्योर एल्किन्स लिए जाएँ और ट्रांस एल्किन्स लिए जाएँ और ट्रांस क्लोरो क्लोरोल्किन्स या ब्रोमो अल्किन्स की एग्जाम्पल कोई ली जाए सो है प्लीज़ रिमेंबर दिस टेक्निक नॉन पोलर कौन से होएंगे जहाँ पे डायपोल मोवमेंट जीरो होएगा डायपोल मोवमेंट जीरो है तो दैट इज नॉन पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वुड हैव लो बॉयलिंग पॉइंट सो लो बॉयलिंग पॉइंट पूछा हुआ था दैट्स वाई वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द ऑप्शन बी विच इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्वेश्चन नंबर नाइन विच मॉलीक्यूल इज नॉन पोलर अगेन नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट आ गया नॉन पोलर कौन से होएंगे जिनका डायपोल मोमेंट इज जीरो ठीक है डायपोल मोवमेंट जिनका जीरो होगा दैट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल वी हैव एन एच थ्री इसके लिए भी एक टेक्निक याद रखें कि एन एच थ्री है यू हैव एच टू ओ दिस इज ए बी फोर टाइप मॉलिक्यूल एच टू ओ दिस इज ए बी फोर टाइप मॉलिक्यूल सी एच फोर दिस इज ए बी फोर टाइप मॉलिक्यूल एंड पी सी एल थ्री दिस इज अगेन ए बी फोर टाइप मॉलिक्यूल सो ऑल दीज एग्जाम्पल्स जो ऑप्शंस हैं वो ए बी फोर टाइप मॉलिक्यूल्स में से ही ली गई हैं बट एन एच थ्री को ऑब्जर्व करो एन एच थ्री हैज थ्री बॉन्ड पेयर्स एंड वन पेयर वेर एज एच टू ओ में वी हैव टू बॉन्ड पेयर्स एंड टू लॉन् पेयर्स इट हैज थ्री बॉन्ड पेयर्स एंड वन लॉन् पेयर पी सी एल थ्री में फॉसवॉरस ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम द ग्रुप नंबर फाइव इट इज मेकिंग थ्री बॉन्ड्स तो बेटा तीन बॉन्डपेयर हैं इट हैज लॉन्डेयर इन द केस ऑफ ch4 एच कार्बन बिलोंग्स फ्रॉम द ग्रुप नंबर फोर बट इट इज आल्सो मेकिंग द फोर इट मीन फोर बॉन्डपेयर हो होगे और जीरो लॉन्डेयर है सी एच के मॉलिक्यूल में वी कैन ऑब्जर्व के जितने भी डायपोल मोमेंट्स होंगे जीरो हो जाएंगे बेटा नॉन पोलर की एक एग्जाम्पल के सेंट्रल एटम के हर तरफ अगर एक जैसे ही एटम्स हैं फॉर एग्जाम्पल सी के चारों साइड्स पे अगर हाइड्रोजन ही है तो uh, तमाम आइटम सेम है तो वी कैन कैंसिल द इफेक्ट जो डायपोल मोमेंट का अफेक्ट होगा वो कैंसल हो जाता है इन दैट केस और देर देर मस्ट नो लॉन् पेयर अवेलेबल टू दैट पर्टिकुलर ऐटम जो सेंट्रल ऐटम होगा तो कार्बन का कोई लॉन् पेयर भी नहीं रहता इट इज़ मेकिंग फॉर बॉन्ड्स और दूसरा हर ऐटम उसका सेम है So it is perfectly non-polar molecule. Its dipole moment is 0. Got it? So yani ke, uh, we can summarize this thing. Ke perfect AB2 type molecules, perfect AB3 type molecules, i.e. Yani 3, 0, 2, 0, uh, 4, 0 molecules, 5, 0 vale molecules uh, uh, that has geometry of trigonal bipyramidal. जिनमें 90 और 120 ट्वेंटी का एंगल भी आ जाता है ए बी फाइव टाइप मॉलिक्यूल्स होते हैं और ए बी सिक्स मॉलिक्यूल्स आर मॉलिक्यूल्स जिनमें 90 का एंगल होता है 90 डिग्री का एंगल होता है सो बेटा अगर सिक्स जीरो फाइव जीरो फोर जीरो थ्री जीरो और टू जीरो वाली फॉर्मेशन आती है बॉन्ड टू लॉन पेयर की रेशियो अगर आती है सो इन दैट केस वी विल गेट द नॉन पोलर मॉलिक्यूल मोस्ट ऑफ द चांसेस यही होंगे अगर एटम्स सेम होते हैं तो परफेक्टलीफरेंट एटम्स तो है तब तो चांसेस होते हैं कि उसमें पोलरिटी इंड्यूस हो सके ठीक है सो नाउ मूविंग टू वर्ड्स द लास्ट टाइम सी क्यू तो आयनाइजेशन एनर्जी अलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड अलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डैश डाउन द ग्रुप तो बेटा इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है या सेम रहती है दिस इज वॉट वी हैव टू मैंशन आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट डिक्रीजेस ये डिक्रीज करती है रीजन क्या है बिकॉज द नंबर ऑफ शल्स इंक्रीज करते जा रहे हैं जब नंबर ऑफ शल्स बढ़ते जा रहे हैं तो उसकी वजह से साइज इंक्रीज करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाती है ठीक है सो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है शील्डिंग इफेक्ट कहां पे कॉन्स्टेंट होता है पीरियड्स में कॉन्स्टेंट होता है पीरियड्स में क्या चीज इंक्रीज करती है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करती है सो इन दिस वे पीरियड्स में ये तमाम फैक्टर्स इंक्रीज करते हैं और ग्रुप में इट डिक्रीजेस सो होप सो ये तमाम एम से आपको केमिकल बॉन्डिंग के काफी क्वेरीज और काफी क्वेश्चन क्लियर हो हुए होंगे so if you have further queries or uh, quick question mind me, so do let us know uh, in the comment box so inshallah we'll give you the feedback over your questions thank you very much.